तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? तुम्हारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज है? नहीं है। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी ये प्रेजेंटेशन, नहीं बनाऊंगी मैं, समझे? सारा, घबराओ नहीं मेरी जान, सब ठीक हो जाए। आपको लगता है? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि सब मजीद खराब हो जाएगा। अब बेटा, इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी सही सोच होती है। अपनी सोच सही रखो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दादा जान, सही गलत एक तरफ, अभी तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूं। फिक्र ना करो बेटी, ये कोई हादसा नहीं है जो तुम परेशान हो रही हो। बेटी, ये तो एक राज था, इसको एक ना एक दिन तो खुलना ही था। बस जितनी देर तुम इसको एक्सेप्ट करने में लगाओगी, तुम परेशान रहोगी, और जिस वक्त तुमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा। थैंक यू दादा जान। अच्छा, दादा जान भी कहती हो और थैंक यू भी कर रही हो। थैंक यू नहीं करते, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। टॉफी खिलाऊंगा बाद में। नाजिया, ध्यान से भाई, क्या हो गया? सॉरी साद भाई, वो मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। मेरा पीनट बटर किधर? आओ, वो फ्रिज में होगा, मैं ला दूँ? नहीं, मैं खुद ले लेता हूँ। क्या टेंशन है? साद भाई, मैंने जानी को इतनी कॉलें की हैं, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अब वो तुम्हारा फोन कहाँ उठाएगा? क्या मतलब? खुद सोचो नासिया, अब वो ऊपर वाले घर का मालिक है, अब कहाँ? तो हमारी मोहब्बत खत्म तो नहीं हुई ना? हुई नहीं तो हो जाएगी। इंसान को बदलने में देरी कितनी लगती है? नहीं, हमारी मोहब्बत सच्ची है, और मैंने तो इस पे कितनी सारी नज़में लिखी हैं। मेरा एक लिखा हुआ शेर भी है कि मोहब्बत गरम आग ना ठंडा पानी। बाबा, मेरे लिए मोहब्बत मेरा जाने। नाजिया, शेर तो तुमने अच्छा लिखा, लेकिन तुम जाने के लिए अब पूरा दीवान भी लिख दोगी ना, तब भी वो तुमसे शादी नहीं करने वाला। तो आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? नहीं, मुझे मशवरा जरूर दे सकता हूँ। कैसा मशवरा? देखो, तुम ना, तुम जानी पर काला जादू करवा दो। वो लिखा नहीं होता दीवारों पर के वो 3 दिन महबूब आपके कदमों में, वो वाला? अरे नहीं नहीं, बस मेरे लिए इतना कर दें कि मेरा पैगाम जानी तक पहुंचा दे के मुझे उससे बात करनी है। और सो तुम लोगों की इस लव स्टोरी में मैं कबूतर का रोल प्ले करूं, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। साद भाई, कुछ जरा बराबर भी एहसास नहीं है। मैं यहाँ बैठी रो रही हूँ और आप मुझे दिलासा देने के बजाय क्रीम लगा रहे हैं। संजीदा, ये क्रीम नहीं है, ये नाइट क्रीम है, जरूरी होती है स्किन के लिए। तो अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने क्या किया? यास्मीन ने मुझे घर से निकाल दिया, तुम मुझे छोड़ के चलेगी तो और मैं क्या करता? मैंने अपना बिजनेस ही संभालना था ना।
मैंने आपसे ज्यादा सेल्फिश इंसान कभी नहीं देखा। सेल्फिश? देखो अगर मैं सेल्फिश होता तो मैं अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट ना करता। मेरा बेटा चक्का तक देखने को तैयार नहीं है। आपने नोट किया है सारा उससे किस तरह बात करती, कैसे बिहेव करती है। आप उसे साफ साफ बता दीजिए कि जानी अब घर का मुलाजिम नहीं है। देखो सचिदा, ये वक्ती तौर पे सब जज्बाती हुए हैं। जब सबके जज्बात ठंडे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? पहले मुझे ये गम था कि मेरी कोई पहचान नहीं है। अब जब पहचान मिली तो सोच रहा हूं कि वो गुमनामी की जिंदगी बेहतर थी। संजीदा खाला मेरी मां निकल आई। अब मुझे एक आखिरी बात नहीं, उनको मां कैसे कबूल करूंगा? हेलो जानी, तुम कहाँ गायब हो? मैंने इतनी कॉलें की हैं तुम्हें। नासिया तुम मुझे भूल जाओ। क्या? हाँ। अरे ऐसा तो मत बोलो। उन सारी नज़मों का क्या होगा जो मैंने तुम्हारे प्यार में लिखी हैं? जानी मुझे आधे रास्ते छोड़कर तो मत जाओ। मुझे तो अभी ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। तुम्हारा साथ कैसे दूंगा नासिया, मुझे भूल जाओ। अरे हाय अल्लाह, इसका मतलब जो सब कह रहे थे वो सही कह रहे थे। जानी सेठ बन गया और मुझे भूल गया। अम्मा जान आप ठीक हैं? अरे बेहोश तुम हुई थी यास्मीन, मैं नहीं। अच्छा तो मैं ठीक हूं, क्या हुआ था? हाय हाय, याददाश्त भी चली गई है क्या? नहीं, काश चली जाती तो अच्छा होता। यास्मीन, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। लेकिन अम्मा जान उन्हें और कोई नहीं मिली, उन्होंने संजीदा से शादी कर ली। तुम ये सोच रही हो कि उसने संजीदा से दूसरी शादी क्यों की? मैं तो ये कह रही हूं कि उसने दूसरी शादी क्यों की? किसी और से कर लेता तो ठीक था। नहीं लेकिन संजीदा, मुझे क्या पता था, मैं तो अपने दिल की बातें उसे शेयर करती रही हूं, वही मेरी सौकर निकली। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। संजीदा ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुमने मेरा। खैर मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूं, ठीक है? सारा कहाँ है? इस सारा ऑफिस जा चुकी है। संजीदा से क्यों की? ये लो, ये रही प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी तुम्हें ईमेल कर दिया। और कुछ चाहिए तुम्हें इस वक्त? ये किस तरह बात कर रही हो तुम, और ये क्या तरीका है किसी के रूम में आने का? ये फाइल चेक करो और अगर कुछ चेंज करना तो मुझे बताओ। सिर्फ तुम परेशान नहीं हो सारा, मैं भी बहुत परेशान हूँ यार। तुम्हारी वजह से मेरा और सदरा का ब्रेकअप हो गया। बॉस को लगता है कि हम दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। तुम समझ रही हो ना कि इस वजह से मेरी जॉब को खतरा हो सकता है। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ये फाइल चेक करो, अगर कुछ चेंज करो तो मुझे अभी बताओ। तुम घर का गुस्सा यहाँ क्यों निकाल रही हो? तुम घर की बात यहाँ नहीं कर सकते। और तुम घर की टेंशन ऑफिस में नहीं ला सकती। ना ना उंगली किसे दिखा रही हो?
ये नीचे करो। तुम वहां क्यों खड़े हो? यहां लाकर रखो। जी सर। मिस सारा, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या है? कुछ नहीं सर, चाय। तो जाए सर। जी। टाइम ब्रेकअप होने वाला है। किसका? साथ साहब और सारा मैडम का। हैं? उनका आपस में कुछ था? अरे हाँ हाँ, मैं तो एक अरसे से देख रहा हूँ, कभी कहाँ घूम रहे कभी कहाँ घूम रहे। एक बार तो मुझे मॉल में भी मिले थे। ये कपल अच्छा है। तो वाकई सच कह रहा है? अरे हाँ हाँ, किस पता नहीं अब क्यों इतनी लड़ाई हो रही है। मुझे लगता है अब नहीं चलेगा इनका। ब्रेकअप ब्रेकअप मैं कह रहा हूँ, ब्रेकअप। खुद बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए तो दूसरों पे रोब जमाएगा। सिर्फ एक प्रेजेंटेशन ही बनानी थी। ये जानबूझ के ना मेरे बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं भी डरती नहीं हूँ किसी से। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, जॉब से निकाल देगा तो निकाल दे जॉब से। ऐसे सड़क पर चलते हुए खुद से बातें करते हुए ना बिल्कुल पागल लग रही हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? गाड़ी में बैठो। शुक्रिया, आज के बाद से मैं खुद जाऊंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। देखो, तुम मुझसे ऑफिस में सारा दिन बहुत बदतमीजी कर चुकी हो, उसके बावजूद मैं तुम्हें लिफ्ट ऑफर कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। बैठो। अब खड़ी खड़ी वहां ये लुक देने का कोई फायदा नहीं, गाड़ी में बैठ के सेम लुक दे लो। मुझे चेंज करके जिम जाना है, जल्दी करो। आओ भी। क्या तू जी पता मारी? चांदी, मेरे बेटे फोन उठा लो, बात करनी है। ए, मेरे ते दिल ते गोलियां चल रही ने, है मुझे कुछ हो रहा है। कसमें कसमें भाभी, सब तो ज्यादा तरस मैं थोड़े ते आता है। मैं बड़ा बड़ा ही जुल्म किया है शकील भाई। बस दुआ करो रूबीना, मुझे इतनी फिक्र है सारा से कौन शादी करेगा। हाय नहीं, हौसला रखो, तुसी भरोसा करो अल्लाह दी जात, कोई ना कोई तो कर ही लेगा इंशाल्लाह। संजीदा की कॉल है। है मनहूस, बड़ी जरूरत है इस मनहूस बगैरत की। हेलो। हेलो यास्मीन, मेरी जानी से बात करवा दो। मैंने उसे बहुत दफा कॉल किया लेकिन वो मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहा। संजीदा, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं मजबूर थी। क्या मजबूर थी? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुमसे अपनी दिल की बातें करती रही और तुम ही मेरी सौकर निकली। यास्मीन, देखो प्लीज मेरी जानी से बात करवा दो। बाहर में जाओ संजीदा, और आइंदा मुझे कॉल मत करना। तो मैं पढ़ाओ, मैं सीधा करनी हूँ मनहूस को। नहीं इस तरह करते हैं जलील। आप तो ऐसे कर रही थी जैसे उसे वलीमे पे इनवाइट कर रही हूँ। खैर कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मायूस नहीं होना, भरोसा रखो अल्लाह पे, सब ठीक हो जाएगा। हौसला करो, हौसला करो। पूछी 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 पूछी। हाँ?
घर आ गया। सच पूछो तो मुझे घर जाने का दिल नहीं जा रहा। तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ जिम चलो। जितनी फ्रस्ट्रेशन थी ऑफिस में वो सब जिम में निकाल दो। तुम्हें आइडिया नहीं है साल, जो मेरे साथ हुआ है ना वो शायद ही दुनिया में किसी के साथ हुआ होगा। तो इसलिए तो कह रहा हूँ जिम ज्वाइन कर लो, गुस्सा ठंडा करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं है, मुझे भी रिसेंटली पता चला है। ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान की बुलंदियों पे उड़ रही थी। जॉब लगने पे मैं बहुत एक्साइटेड थी और अब लग रहा है कि मैं आसमान से जमीन पे आराम से गिर गई। तुम ठीक तो हो ना? किसी के बाप की दूसरी शादी निकल आए तो वो इंसान कैसे ठीक रह सकता है? तुम ठीक रह सकते हो? अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं अपना सारा गम जिम जाके पसीने की सूरत में बहा देता। सब कहने की बात है, कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही जानता है। ये क्या बातें करी हो तुम? कब्र, मैयत, कफन, मुर्दा, ये सारा तुम जिंदा हो, प्लीज जिंदा लोगों की तरह बिहेव करो। आई विल ट्राई, थैंक यू। और सुनो, ऑफिस में जरा तमीज से रह करो। समझ नहीं आ रहा कि मुझे बात नहीं करनी। बार बार कॉल, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अब मुझे कॉल नहीं आनी चाहिए आपकी। जानी तुम बदल गए हो। ए यार, ये तो नाजिया की कॉल थी, मैं संजीदा खाला समझा, क्या कर दिया मैंने। अरे नाजिया मेरी बात तो सुनो, मैं उस टाइम गुस्से में था। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। खुदा हाफिज। क्या कर दिया यार मैंने। अरे नाजिया अब तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बुरी। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी ऑफिस। मैं बस ये सोच रही थी कि अगर काम में मसरूफ रहूंगी तो मेरा दिमाग ठीक रहेगा। तुम्हारे अब्बा ने तुमसे रब्ता किया? आपको लगता है उन्होंने किया होगा? मतलब नहीं किया। अच्छा खैर, मैं यहाँ ये बातें करने नहीं आई। फिर बस ये कहना था अम्मा कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे याद आया, वो रिश्ते वाले की कॉल आई थी, उसने तुम्हारे लिए ना एक और रिश्ता देखा है। अम्मा प्लीज, कुछ दिनों के लिए आप ये बातें भूल नहीं सकती। नहीं, क्योंकि मैं माँ हूँ और मैं इंसान हूँ, एक वक्त पे एक मसला डील कर सकती हूँ मैं। नाजिया, अरे नाजिया, अरे जानी आओ आओ बैठो, फ्रूट्स खाओ। अरे नहीं नहीं शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि नाजिया कहाँ है? क्या हुआ? कुछ नहीं, उससे कुछ बात करनी है। पहले बैठो, मुझसे बात करो। ये बताओ दोबारा पैदा होके कैसा लग रहा? क्या मतलब? मतलब ये कि ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी है ना। कहाँ तुम एक मुलाजिम थे, अब माशाल्लाह से सारा के भाई हो। लेकिन लोगों को ये सच जितना भी कड़वा लगे, तुम्हारे लिए तो गुड न्यूज है। ये न्यूज इतनी भी गुड नहीं जितनी आपको लग रही है। वो क्यों?
के मेरे अब्बा को मेरी या किसी भी घर वाले की कोई परवाह नहीं है। कल से गायब है और सारा बाजी की अम्मी की तबीयत इतनी खराब थी लेकिन उन्होंने पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया। मतलब के आग लगे बस्ती में शकील अंकल अपनी मस्ती में। जी कुछ ऐसे ही समझ लें। हद है। लेकिन एक बात है, अगर वो यहां नहीं आ रहे तो तुम वहां चले जाओ। वहां कहां? उनके ऑफिस में। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो, वो इस टाइम ऑफिस में ही होंगे। वहां जाओ और अपने तमाम सवालात के जवाब उनसे मांग लो। कहां जा रहे हो? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने। जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम ऑफिस से? जी। साथ नहीं छोड़ा तुम्हें? दिन कैसा रहा? इस वाकये की वजह से मेरी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई है। ऑफिस में भी परेशान रहती हूँ। अरे बेटा, जो होना था वो तो हो चुका, बल्कि बहुत पहले हो चुका था। मैं तो कहती हूँ तुम ऑफिस में दिल लगाओ ताकि तुम्हारा ध्यान बटे। दादी क्या बताऊँ मैं आपको, अब मुझे तो नहीं लग रहा। अक्सर साथ से भी लड़ जाती हूँ मैं, लेकिन उसमें उसका भी कसूर होता है। हे, साथ से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अभी तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है, बल्कि तुम्हें तो उसके साथ बना के रखनी चाहिए। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाथ नहीं लगाना मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं शकील साहब का बेटा हूँ, शकील साहब का। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। ऐसे कैसे, क्या मतलब नहीं जा सकते? ये मेरे बाप का ऑफिस है और तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले? झूठ नहीं बोलो, शकील साहब का कोई बेटा नहीं है। अरे मैं हूँ ना शकील साहब का बेटा, जीता जागता नजर नहीं आ रहा आपको? हमारे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे इल्म में भी कुछ दिन पहले ही आया है। आप बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकते। गार्ड इन्हें बाहर निकालें। रुको एक मिनट रुको रुको। सही है, नहीं जा सकता, ठीक है। अरे एक मिनट। गार्ड। अरे आप लोग तो जानते हैं कि हमारी ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये बड़ी जबरदस्त मार्केट में चल रही है और इंटरनेशनल मार्केट में तो क्या ही बात है, और हर तरह के केमिकल से पाक है और बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल मार्केट में इसका रिजल्ट। अरे जानी तुम, ये आपके गार्ड मुझे पकड़ने आए हैं, इनको बोले मुझे हाथ ना लगाएं। वो अब अरे आप चुप क्यों खड़े हैं, मना करें ना इसे। तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगा, कोई मसला नहीं, जाओ जाओ। अब मुझे आपसे एक बात करनी है। देखो जानी, इस वक्त जरूरी मीटिंग चल रही है, मैं घर आऊंगा ना तो बात कर लेंगे। नहीं, मुझे कहानियां ना सुनाएं आप, क्योंकि मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। सर ये कौन है? वो लो जी, आपने मेरा तारुफ तो करवाया नहीं है, चले मैं खुद करवा देता हूँ। मेरा नाम है जानी और मैं शकील साहब यानी के आपके बॉस का बेटा हूँ। तो वालिद मोहतरम, आप सबसे पहले मेरा शिनाख्ती कार्ड बनवाएंगे, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे और उसके बाद आप मेरा स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। और कुछ मजीद? ये कि मुझे आने जाने के लिए अपनी गाड़ी चाहिए। और आखिरी बात, जो आपकी वजह से घर में टेंशन फैली है ना, आप आकर उसको ठीक करेंगे, मसाइल से नजरें नहीं चुराएंगे। बेटा ये सब कुछ हो जाएगा, अभी फिलहाल तुम घर जाओ ना। मुझे टालने की कोशिश मत करें, क्योंकि मैं टलने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी डिमांड्स एक दिन में पूरी ना हुई तो मैं आपके गले पड़ जाऊंगा। ये क्या है? ये तो हमारा सनब्लॉक है, जेल बेस, हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है ना। समझ मुझे कुछ नहीं आई, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा, तो ये मैं रख रहा हूं। अरे ये सैंपल है जानी। ओह खैर, मैं ये बता रहा था
कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये बड़ा ही जबरदस्त है और हर तरह के केमिकल से पाक है, और आपने क्लाइंट को ये श्योरिटी देनी है कि ये इसमें कोई केमिकल नहीं है। ओके मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या मुझसे कुछ कहा है? हाँ, मैं बस सोच रही थी कि मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। तुमने तो मुझे वैसे भी ऑफिस से काम कहा था ना, तुम्हें तो पता है मैं क्या करूं, घर में इतनी टेंशन चल रही है। इट्स ओके। ये क्या कर रहे हो, ये क्या चीज है? ये हैंड ग्रिपर है, फोर आर्म की एक्सरसाइज के लिए होता है। वैसे तुम्हारी आज मीटिंग थी ना बॉस के साथ, तुमने दे दी प्रेजेंटेशन? उनको काफी पसंद आई, तारीफ कर रहे थे। थैंक यू, गुड वर्क। बॉस की कॉल इस वक्त? जी सर। क्या? नहीं नहीं सर, सर मेरी बात तो सुने। ओके सर, मैं आपको ऑफिस आकर मिलता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? बॉस के पास हमारी कंप्लेन गई है। कैसी कंप्लेन? ये कि मेरा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। व्हाट? हम दोनों का अफेयर, मेरा तुम्हारा? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे अफेयर नहीं चलाऊंगी। शक्ल देखी तुमने अपनी? शक्ल की तो खैर है, तुम्हारी तो ना हरकतें ऐसी कि मेरा एक दिन ना गुजरे तुम्हारे साथ। अफेयर चलो बहुत दूर की बात है। तुम्हें सुनाई भी दे रहा है तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है, मुझे तो फिक्र हो रही है ऑफिस वालों की, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में? रेपुटेशन तो मेरी खराब हो रही है, मुझे अपनी फिक्र है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी रेपुटेशन सही कब थी? आते जाते हर लड़की को कॉम्प्लीमेंट देने वाले इंसान को खुशफहमी कहाँ से कि उसकी रेपुटेशन थी भी कोई? जब से तुम दफ्तर आई हो ना, सब कुछ खराब हो रहा। जब तुम नहीं थी ना, सब ठीक होता था। तुम्हारा मतलब ये है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है? हाँ, और किसकी वजह से हो रहा है? ये जो तुम्हारा मेरे साथ कैजुअल बिहेवियर है ना, तुम जो बड़ा बेतकल्लुफी से मुझसे बात करती हो, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मैं तुमसे कब बेतकल्लुफ हुई? हुई हो तुम बेतकल्लुफ। अब मेरी बात ना कान खोल कर सुनो, कल मैं और तुम जाएंगे बॉस के पास और तुम उन्हें बता दोगी कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उंगली नीचे करो। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना कि जो मेरे मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं उनका क्या मतलब है? मुझे सब सुनाई दे रहा है, आइंदा मुझे उंगली मत दिखाना। ये उंगली इतनी बड़ी डील कब से बन गई? समझ से बाहर है ये लड़की। मैं ऑफिस में साथ के साथ फ्री कब हुई? उसे गलतफहमी हुई कैसे? वरना मैं तो बड़ा नॉर्मल रहती हूँ ऑफिस में। ये शिकायत लगाई किसने? जो भी है ना, बड़ा ही कोई थर्ड क्लास इंसान है, मैं बता रही हूँ। वरना अगर थोड़ी सी भी अकल रखने वाला शख्स कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा उस साथ के साथ अफेयर चल रहा है। मिल गई आपको फुर्सत। सारा बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब्बा, आपको मुझसे एक जरूरी बात करनी है? मुझे आपसे बहुत सारी जरूरी बातें करनी है। कब आएंगे आप? बेटा मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल की है कि जाने का ख्याल रखा करो प्लीज। क्या? हाँ बेटा, वो परेशान है, आज ऑफिस आया था बल्कि सीधा बोर्ड रूम में आ गया, मीटिंग चल रही थी। जॉनी की इतनी हिम्मत? अरे नहीं बेटा, उसका कसूर नहीं है, जवान खून है, जज्बाती हो गया होगा। दादा ना, साइड लेने की जरूरत नहीं है उसकी।
देखो बेटा, इस वक्त मैं सिर्फ तुम्ही से बात कर सकता हूँ ना। उसका ख्याल रखो बेटा, कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। अब्बा, जानी आपकी औलाद है। मेरी नहीं। तो उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा, ऑफिस। अम्मा, दादी, अब बाहर आए जरा। जानी तुम कहो तुम तो बाहर निकलो जरा। क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो? जानी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मेरी बहन। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी बहन बहन नहीं हूँ, समझे? और दूसरी बात, तुम आज अब्बा के ऑफिस क्यों गए थे? अच्छा, मतलब खबर पहुंच गई है। ये क्या हो रहा है यहाँ? जितना पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। तुमने वहां जाकर सबके सामने अब्बा से बदतमीजी की है? अगर अपना हक मांगना बदतमीजी है तो हाँ, मैंने की है। तुम आइंदा वहां नहीं जाओगे, समझे? अपने बाप से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ना तुम बात करो। सारा, खबरदार। बेटा, क्या कर रही हो? अगर ये गया तो क्या हो गया? शकील इसका भी तो बाप है ना। अभी अब्बा की ना कॉल आई थी, इसने उनकी मीटिंग में जाके सारी बातें की हैं। ये बहुत ही अच्छा किया। अगर मुझे बताते तो मैं भी साथ चलती। अरे दादी, मुझे तो खुद साथ भाई ने आइडिया दिया था कि अगर अब्बा नहीं आ रहे तो तुम चले जाओ उनके ऑफिस। बहुत आला। ये बताओ, शकील ने क्या बोला? अरे वही एक बात कि घर आऊंगा तो बात करेंगे, लेकिन इस बार मैं भी कहकर आया हूँ कि घर आना पड़ेगा और मसला हल करना पड़ेगा। छोड़े मुझे, बात ही जरा इसको। तुम्हें मेरे जन्नत, तुमने बहुत ठीक किया, अच्छा किया चुका है।